हिमाचल प्रदेश में भाजपा के चुने हुए विधायकों को सीपीएस के पदों पर ताजपोशी मिल सकती है, इस बात के संकेत सीएम जयराम ठाकुर ने दिए हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला मंडी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीपीएस बनने की संभावनाएं खुली हैं और इस पर भविष्य में भी विचार किया जाएगा। ये बात उन्होंने मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में कही। बता दें कि जयराम ठाकुर सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला मंडी पहुंचे। मंडी जिला के प्रवेश द्वार तलापड़ में हजारों लोगों ने अपने सीएम का जोरदार और भव्य स्वागत किया। स्वागत का ये सिलसिला मंडी जिला मुख्यालय तक जारी रहा। करीब 4 दर्जन स्थानों पर हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने सीएम जयराम ठाकुर का स्वागत किया। ये पहला मौका था जब मंडी जिला को सीएम का पद मिला और इस बात को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला का जो भावुक मुद्दा था वो पूरा हुआ है और लोग राजनीति से ऊपर उठकर आज एकजुटता के साथ आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सभी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि भविष्य में क्या कुछ किया जाना है इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं और जल्द ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 लेन प्रभावितों का जो मुद्दा है उस पर भी भविष्य में प्रयास किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर के रोड शो के दौरान कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह और अनिल शर्मा सहित जिला के सभी विधायक मौजूद रहे। आज मैं पहली बार अपनी जिम्मेवारी को जब से मेरे को ऊपर सौंपी है उसके बाद मैं पहली बार मंडी आ रहा हूं और मंडी आज नागरिक अभिनंदन है। इसके सिवाय और कुछ नहीं है, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक बहुत लंबे समय तक एक बड़ा भावुक मुद्दा मंडी का पूरा हुआ है और मंडी की जनता जो है सारे इस मुद्दे पर जो है पार्टी लाइन से हट करके ऊपर उठ करके जो है हमारा स्वागत कर रही है। इस बात की मुझे खुशी है और मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन आज कहने के लिए नहीं, आने वाले समय में जब बात होगी करेंगे। प्रभावितों का और उनका जो दर्द है वो भी आपके साथ किया? सब कुछ सारी बातों को लेकर के बात करें। जी सर, आप सरकार में सीपीएस बनाए जाएंगे? ये सारी बातें आगे की संभावनाएं खुली है।